हेलो एवरीवन, आज एक सिंपल सा कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं। और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि इसको मैं बेसिक शेप से बनाने वाला हूँ, तो इसको भी हम लोग आज ओवल से बनाने वाले हैं। ये कुछ ये शेप रहेगा इसका, और ये एक तरह का बग है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और ये ड्रॉ करने के बाद ये जो हाफ पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइन ले लें, और ये लाइन लेने के बाद फिर यहाँ से दूसरा लाइन कर्व में, ये कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट होने के बाद इसको ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर इसको हम इसमें मिला लेंगे। ये कंप्लीट हो गया और पीछे का जो है वो तो ब्लैक में चला जाएगा। और ये हो जाने के बाद फिर हम एक और हाफ सर्कल यहाँ पे लेंगे, ये हमारा बन गया। और ये बनने के बाद एक और छोटा सा हाफ सर्कल, जो कि हम लोगों ने आई ड्रॉ किया है, ये होने के बाद फिर को हम कुछ बॉडी पे कुछ पैचेस बनाएंगे, सर्कल अगर परफेक्ट सर्कल ना बने तो रफ में कहीं पहले प्रैक्टिस कर लेना इसका, सर्कल का, फिर बाद में इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ कर लोगे। और ड्रॉ करने के बाद कुछ लाइंस है लेग्स, वैसे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे भी गया हुआ ये कुछ इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको स्केच पेन से पहले कवर कर लेंगे। कवर करने से बेनिफिट ये है कि आपके जो जब भी आप कलर करोगे तो बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको आउटलाइन, बिल्कुल ही आराम से, ये हो गया। फिर सर्कल्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पेंसिल से पहले बनाया करो, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि करेक्शन कहीं पे भी हो तो वो चीज़ें थोड़ी सुधर जाती हैं, या आप इरेज कर सकते हो, पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उसको करेक्ट कर सको। यहाँ पे थोड़ा थिक रखेंगे, यहाँ पे हल्का सा थिक रहेगा, ये कंप्लीट हो गया। और जितने भी स्पॉट हैं वो तो ब्लैक करेंगे ही, और ये जो डिवाइड है बीच में इसको भी हम लोग डार्क करेंगे। और आउटलाइन कर लिया तो बाहर तो नहीं जाएगा, अगर बाहर गया भी तो उसको ऐसे कवर कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो कलर हम चला रहे हैं
ब्लैक कलर, उसको बिल्कुल ही क्लोज चलाएंगे जिससे कि वाइट पैचेस जो आते हैं वो नहीं आएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक देना है, वो हो गया। और यहाँ से एक ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो बेस कलर है वो है रेड, तो हमारा आउटलाइन कंप्लीट होने की वजह से हम इसमें अच्छे से दे पाएंगे, अच्छे से फिल कर पाएंगे इसको। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि क्लोज रखें, अगर आप फास्ट भी जाना चाहते हैं तो फास्ट जाएं, लेकिन कलर जो है बिल्कुल ही क्लोज रखें जिससे कि वाइट पैचेस नहीं आए। अगर इसमें थोड़ा शेडिंग करना चाहते हो तो किनारे की तरह यहाँ से डार्क होगा, जैसे मैंने अभी डार्क किया, और डार्क करने के बाद आगे की तरफ थोड़ा लाइट रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैंने लाइट रखा और एकदम किनारे थोड़ा डार्क डार्क, फिर इसको कर दिया लाइट। सेम यहाँ से भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे डार्क और फिर यहाँ पे लाइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स कोई भी स्केच पेन हो, स्केच पेन से भी कर सकते हो। कि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी आते हैं कि आपने जो यूज़ किया है हमारे पास है नहीं, तो बिल्कुल सेम मटेरियल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस आपको टेक्निक यहाँ पे बताया कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और कलर इसके बाद आप कर सकते हैं। और कलर में भी मैंने टेक्निक बताया आपको कि क्लोज़ रखें जब भी आप कोई भी कलर कर रहे हैं। क्लोज़ रखने से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल ही स्मूथ लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है कि कहीं से भी वाइट पैचेस नहीं है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और किनारे की तरफ से ऐसे डार्क कर लेंगे, और जितना कलर अच्छे से फिल होगा उतना ही अच्छा लगेगा। हल्के हल्के जो वाइट दिखते हैं वो चीज़ें नहीं दिखेंगी यहाँ पे, जो कि स्केच पेन में बिल्कुल ही स्मूथ आता है। आजकल ब्रश पेन भी बहुत चलता है, तो मेरा एक और चैनल है अभिषेक आर्ट स्केचबुक बाय अभिषेक, जैसे कि ये चैनल है अभिषेक आर्ट लाइफ, उसका ही एक पेरेंट चैनल है स्केचबुक बाय अभिषेक। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कल ब्रश पेन यूज़ किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जितने हैं मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, और ये जो है ये थोड़ा हम ग्रे करने वाले हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप चाहें तो शेडो भी इसको डाल सकते हैं। लाइट सोर्स हमारा इधर से, तो इस साइड से हम इसको शेडो भी ऐसे डाल देंगे। और ऐसा करने के बाद फिर टिश्यू पेपर से इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा जो करेक्टर है कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो के साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी भेजा, जो भी आप बनाते हो मुझे इंस्टाग्राम के जो लिंक दिया है उस पर आप भेजो, आप भेजोगे तो उसमें जो भी करेक्शंस हैं वो मैं बताऊंगा, जो आपके सजेशंस रहेंगे वो मैं दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है, तो प्लीज़ अपनी जो आर्टवर्क है मुझे भेजें, तो मुझे भी एक फीडबैक मिलेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है इससे।
तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।